नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT कला से संबंधित है, और TGT PGT आर्ट में आप सब जानते हैं हम लोग टेस्ट पेपर भी दे रहे हैं, साथ ही साथ जो सिलेबस डिजाइन है TGT का उसे भी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र पढ़ा, जिसमें होशंगाबाद हो, मिर्ज़ापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, बांदा हो, पंचमढ़ी हो, बेल्लारी हो, जो एक्स्ट्रा डाटा पूछा गया है उसको भी कवर किया जा रहा है बेटा, तो उसे भी नोट डाउन करते रहना है। जैसे यहाँ पे आज हम लोग सिगरिया गुफा देखेंगे, जब आप सिलेबस देखेंगे 2021 वाला तो उसमें सिगरिया गुफा नहीं शामिल है, लेकिन सिगरिया गुफा शामिल नहीं है लेकिन प्रश्न जब बार बार पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको सिगरिया गुफा भी पढ़ाया जाएगा। सिगरिया के साथ साथ एलिफेंटा गुफा नहीं शामिल है उसे भी पढ़ाया जाएगा, खुजराहो नहीं शामिल है उसे भी पढ़ाया जाएगा, तंजौर नहीं शामिल है उसे भी पढ़ाया जाएगा, कांचीपुरम के कुछ दो चार मंदिर हैं उन्हें भी पढ़ा दिया जाएगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी स्टेप्स को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हमने प्रीवियस में बहुत सारे वीडियोस देखे, जिसमें जो है जोगी मारा देखा, बाद बदामी, एलोरा इसको देखा, सित्तनवासल को देखा, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी तो हमें करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जल्द देखने वाले हैं क्वेश्चंस। फिलहाल आज हम लोग सिगरिया गुफा के बारे में जानेंगे, और सिगरिया से पहले हमने सित्तनवासल में क्या देखा, तो सित्तनवासल गुफा आप जानते हैं तमिलनाडु का तंजौर जिला में स्थित है सित्तनवासल गुफा। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है, तो उससे पहले हमने जोगी मारा को भी पढ़ा है। जोगी मारा कहाँ पर स्थित है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। एलिफेंटा गुफा की अगर हम लोग बात करें तो एलिफेंटा कहाँ पे स्थित है, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसको हमें पढ़ना है। खुजराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, इसको हमें पढ़ना ही है। बदामी गुफा कहाँ है, किसने बनवाया, चालुक्य वंशों ने बनवाया, इसको हमने पढ़ा दिया है। बदामी कर्नाटका का क्षेत्र होता है, बीजापुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। जोगीमारा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा जनपद है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा जनपद में मूल रूप से क्या पे है, तो जोगीमारा की गुफा है। हर्षित कुमार हल्दर इसका जो है अभिलेख तैयार करने जाते हैं। बाघ गुफा ये धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि इसका रिवीजन कराया जाए। बेटा अगर प्रीवियस में आपने जो पढ़ा है उस पर थोड़ी बहुत नज़र डाल लेते हैं तो आपका जो है तैयार बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट वीडियो उसी से कोरिलेट होकर के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रीवियस के डाटा जो है हरदम कंठस्थ रहेंगे। जैसे बाघ गुफा में गुफाओं की संख्या कितनी होती है, बहुत बार पूछा गया है, टोटल 9 गुफाएँ हैं। बाघ कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश का धार जिला में स्थित है। ऐसे ही जब प्रश्न पीछे पीछे आते रहते हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे बहुत मज़ा आता है। ऐसे एलोरा कहाँ स्थित है, हमने एलोरा कल पढ़ा है, औरंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, सॉरी महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, याद रखना है औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा भी स्थित है और अजंता भी स्थित है, दोनों औरंगाबाद में हैं, ठीक है, और दोनों महाराष्ट्र में, और दोनों से बार बार क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे अजंता की एक गुफा बहुत फेमस है, गुफा संख्या 16, वहाँ पे मणासन राजकुमारी स्थित है। ऐसे ही एलोरा में एक गुफा बहुत फेमस है, गुफा संख्या 16, वहाँ पे राजपूत राजा एक कैलाश मंदिर बनवा देते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए, तो वो कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, दोनों गुफा संख्या 16 से ही संबंधित है। ऐसे ही अजंता में एक गुफा पूछी जाती है, बोधिसत्व पद्माणी, बहुत बार पूछा गया है, गुफा संख्या 1 में स्थित है। तो अभी हम लोग अजंता नहीं पढ़े हैं, फिलहाल हम लोग जो पढ़े हैं उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ऐसे अच्छा, हमने ये नहीं पढ़ाया है कि वेद कितने होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, फिलहाल क्वेश्चंस पूछा जाता है इसलिए इसे हम बता दे रहे हैं। बेटा टोटल वेदों की संख्या 4 होती है। इतिहास के पितामह को तो आप जानते ही होंगे, हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस साहब किताब लिख देते हैं, हिस्ट्री के पिता इन्हें इसीलिए कहा जाता है, इन्होंने एक हिस्टोरिका नामक किताब लिख दी और उस हिस्टोरिका किताब के आधार पर इन्हें मूल रूप से इतिहास का फादर मान लिया जाता है। अच्छा, इतिहास में टोटल वेदों की संख्या कितनी है, तो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद में जो उपवेद है वो आयुर्वेद होता है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद। दूसरा आता है यजुर्वेद में जो उपवेद आता है वो धनुर्वेद। तीसरा आता है सामवेद में जो आता है वो उपवेद है गंधर्व वेद, जिसमें कला एवं संगीति से संबंधित खूब बढ़िया डाटा मिलता है, वो सामवेद है, ठीक है। और सबसे चौथा आता है अथर्व वेद, जिसमें भवन निर्माण, जादू टोना, ये सब काम आता है। तो अथर्व वेद का जो उपवेद है उसे शिल्प वेद के नाम से जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा अथर्व वेद। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने वेद हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद कौन सा है अथर्ववेद। अच्छा, टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांग दर्शन इतिहास सब पूछा जाता है। वेदांग टोटल 6 होते हैं बेटा,
वेदांगों की संख्या टोटल 6 होती है, कई बार यही पूछा गया है। कौन कौन से वेदांग हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी जो है मूल रूप से वेदांगों की संख्या है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, निरुक्त, छंद और ज्योतिष मूल रूप से वेदांग है। 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ऐसे ही टोटल जो है पूछा जाए महाकाव्य, तो महाकाव्य तो बहुत सारे हैं, रामायण, महाभारत, ये सब, भगवत गीता, सब कुछ उसी में आ जाता है, ठीक है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 पुराण हैं, ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है 18 पुराण हैं, कौन कौन से पुराण हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देना रहता है। पुराणों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं पुराण। उसके बाद हमने पढ़ा है भारत के प्रागैतिहासिक कला के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को पढ़ा। हमने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को अच्छे से पढ़ लिया है। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता कौन है इसके? राम बहादुर दयाराम सहनी या राय बहादुर दयाराम सहनी 1921 में इसे खोज देते हैं। रावी नदी किनारे स्थित है। सबसे पहले कांस्य दर्पण यहीं मिलता है, विशाल अन्न भंडार यहीं मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? लरकाना जिला में है। रखलदास बनर्जी से खोज देते हैं, 1922 में आता है। सिंधु नदी किनारे है, विशाल स्नानागार यहीं मिलता है। एक बड़ा महाविद्यालय भी यहीं मिल जाता है, कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। एक श्रृंगी पशु की मूर्ति कहाँ मिलती है? मोहनजोदाड़ो में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात वाला क्षेत्र होता है। रंगनाथ राव इसे खोज देते हैं, भोगवा नदी किनारे है और गोदीबाड़ा यहाँ पे स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो अपना उत्तर प्रदेश। ये यज्ञदत्त शर्मा के कार्यकाल होता है, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश को खोजते हैं, ठीक है। 1958 में कब खोजा जाता है? 1958 में खोजते हैं। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। तो इन्हें याद करते हुए चलना, जब एक दूसरे से कोरिलेट करके, जैसे मांडा कहाँ स्थित है? मांडा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र होता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे उत्तरी हिस्सा मांडा ही है, और सबसे दक्षिणी महाराष्ट्र का दैमाबाद, और सबसे पश्चिमी सुतका गंडोर बलूचिस्तान वाला क्षेत्र होता है। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखने हैं मिट्टी का हल कहाँ पे मिला है, मिट्टी का हल कहाँ पे मिला है? तो ये बनावली हरियाणा हिसार वाला क्षेत्र होता है, हिसार हरियाणा, ठीक है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे है, मिट्टी का हल मिल जाता है। ऐसे तांबे कुल्हाड़ी कहाँ मिलती है? रूपनगर रोपड़ में मिल जाती है। ऐसे मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिल जाते हैं? चन्हौदड़ों में मिल जाते हैं। लिपस्टिक कहाँ मिलता है? चन्हौदड़ों में मिलते हैं। पाउडर कहाँ मिलता है? चन्हौदड़ों में मिलते हैं। काजल, सौंदर्य प्रसाधन, काजल चन्हौदड़ों में मिल जाता है। अच्छा, चूड़ियाँ कहाँ मिलते हैं? ये कालीबंगम हो जाता है, कालीबंगा राजस्थान वाला क्षेत्र होता है। तो इसको हमने देख रखा है, इनको हमने पढ़ रखा है, इसको जो है बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। अच्छा, एक बार और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हड़प्पा से अभी तक तिथि कब से है? तो 2350 से, अमूमन 2350 से 1750 ईस्वी तक रहती है यह हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की जो है कार्यकाल माना जाता है। इसको कार्बन डेटिंग 14 से इसे हम लोग याद करते हैं। याद समझ में आ रहा है, सब कुछ याद हो रहा है, जो है रिकॉल हो रहा है आपका। हमने चित्रकला के षडांग को पढ़ा है। चित्रकला षडांग होता क्या है? चित्रकला षडांग, यशोधर पंडित जी राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे। जयपुर के राजा हैं राजा जयसिंह, ठीक है, उनके दरबार में रहते थे। और 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य मूल रूप से इन्होंने लिख दिया, कामसूत्र का एक टीका तैयार कर दिया, छोटा सा पतला सा। तो कामसूत्र का टीका तैयार किया, उसका नाम क्या रखा? जयमंगला रखा। जयमंगला में टोटल षडांगों की संख्या कितनी है, चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? तो षडांग जो है मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर इसे कहते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर की एक किताब है, कौन सी है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स लिख देते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर और ठाकुर जी या टैगोर जी, और मूल रूप से उसमें इन्होंने षडांग का वर्णन कर दिया है। 1921 में इसका प्रकाशन हो जाता है। किसका? जो किताब लिखे हैं, किताब क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। तो मूल रूप से षडांग हैं क्या, इनके क्रम बार बार पूछे जाते हैं। रूप भेद प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सदृश का वर्णम भंग इति चिति षडांगम। तो रूप भेद पहला है, प्रमाण दूसरा है, भाव तीसरा है, लावण योजना चौथा है, सदृश्य पांचवा है और वर्णिका भंग छठवां है। इस टाइप से छयों षडांग हो जाते हैं। अब षडांग के बाद हमने पढ़ा है, जिसको हमने रिवीजन किया है क्या, तो जैसे बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटका राज्य में। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जोगीमारा कहाँ स्थित है? सरगुजा जनपद है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। अच्छा, जोगीमारा में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये मध्य प्रदेश भी कई जगह लिखा मिलता है। तो बेटा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों इसके राइट आंसर हैं। जब छत्तीसगढ़ का उत्पत्ति नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, तब इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हुआ करता था। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में है और छत्तीसगढ़ भी है, तो दोनों ऐसे
दिखाई नहीं देते हैं फिलहाल, अगर नहीं है तो जो है छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर बनेगा, अगर छत्तीसगढ़ नहीं है तो एमपी भी इसका राइट आंसर कभी कभार बन जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, रिवीजन करना है, मेहनत करना है, क्या जो सिलेबस है सिलेबस पे, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ से क्वेश्चंस बना है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। जैसे बेल्लारी हमने पढ़ाया था, बेल्लारी से क्वेश्चंस बनता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व होगा तो आप जानेंगे, हमने टेस्ट पेपर कराया, बेल्लारी शामिल किया गया, वहाँ से जो क्वेश्चंस बना है उसे पूछा गया है इसलिए उसको पढ़ाया गया है। जैसे आज सिगरिया गुफा पढ़ाई जाएगी तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस बनता है इसलिए पढ़ाया जाता है। बेटा ऐसा नहीं है कि जो आपका सिलेबस डिजाइन हो गया बस वहीं से क्वेश्चंस बन रहा है, 80% आपके सिलेबस से पूछा जाता है और 20% डाटा एक्स्ट्रा पूछा जाता है। अब यही जो 20% एक्स्ट्रा पूछा जाता है इसे जो कवर कर लेता है फाइनली सिलेक्शन उसी का हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पूरा 100% देखने का प्रयास करेंगे, केवल सिलेबस के भरोसे नहीं रहेंगे, जो सिलेबस डिजाइन है उसे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा डाटा पूछा जाता है उसे भी पूछ लेंगे। जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके सिलेबस में है लेकिन पूछा जाता है लोथल से भी, चन्हौदड़ो से भी, लिपस्टिक कहाँ से मिला पूछ लिया जाए तो चन्हौदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछ लिया जाए रोपड़ रूपनगर, वहाँ से तांबे कुल्हाड़ी मिल जाती है, खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है, कब खोजते हैं 1955 में। तो ये सब प्रश्न आपको याद होने चाहिए, इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं तो हैं, उन्हें आपको याद होना चाहिए, चार वेद होते हैं तो होते हैं, कौन सा पुराना कौन सा नया ये आपको याद होना चाहिए, इसीलिए हमने आज सोचा कि इस पर भी बात कर ली जाए। चित्रकला षडांग आप देख ही चुके हैं, लेटेस्ट में मध्यकालीन चित्रकला बहुत अच्छे से पूछा जाता है, चाहे कालिका चात्र की कथा हो और चाहे वो लेटेस्ट में महावीर जैन धर्म से संबंध रखते हो, 24वें तीर्थंकर से बार बार पूछा जाता हो, कल्पसूत्र में ये सारे डाटास दिए गए हैं, ठीक है। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं सिगरिया गुफा में। सिगरिया गुफा बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही अच्छे से हमने उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस टाइम सिगरिया गुफा में जहाँ पे स्थित है वहाँ पे थोड़ा विवाद चल रहा है, आप जानते होंगे श्रीलंका में इस टाइम तख्ता पलट की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई चरम पे है, सरकार महंगाई कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, और एक घराने में एक भाई पीएम है, दूसरा भाई जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ राष्ट्रपति होता है जिसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, तो एक भाई प्रेसिडेंट है एक भाई प्राइम मिनिस्टर है, और दोनों लोग मिल करके अपना जो है स्विस बैंक में सब कुछ जमा कर लिए हैं और यहाँ देश भुखमरी के कगार पे है। ये हाल है कि जो है चीनी लाने के लिए दूध लाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो महंगाई पे अगर सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, फिलहाल भारत में भी यही स्थिति होने वाली है, अगर सरकार महंगाई पे जो है कुछ कंट्रोल नहीं करती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस पर टैक्स तो पेयर होता है, सरकार की कमाई होती है, फिलहाल महंगाई पे भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। जैसे वार चल रहा है तो रूस क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है, क्या यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका को क्यों आप इतना छोड़ दे रहे हैं, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर भी कुछ बनना चाहिए, ठीक है। रूस यूक्रेन का अगर मामला शांत होता है तो महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए, विश्व भी नहीं चाह रहा है, 50 दिन से अब युद्ध होते हो रहा है, छोटा सा देश है, रूस चाहता एक दिन परमाणु बम बहाता पूरा ख़त्म हो जाता, डू एंड डाई हो जाता, क्या फ़ायदा इतना लंबा खींचने से, पता नहीं कितने प्रतिबंध लग चुके हैं रूस के ऊपर। महंगाई आसपास पड़ोस वाले देश बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई वहाँ बढ़ गई है, कहीं डीजल नहीं आ रहा है, कहीं पेट्रोल नहीं आ रहा है, कहीं खुदरा मूल्य नहीं है, कहीं जो है सब्ज़ी बहुत महंगी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो खाने पीने के सामान भी महंगे हो रहे हैं, भारत में भी महंगे हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल चलिए हम लोग वो टॉपिक नहीं है, अपना सिगरिया गुफा पढ़ना है, और सिगरिया गुफा बेटा ये अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, समुद्र के किनारे स्थित है, इसका सबसे बड़ा व्यापार यही होता है मछली पालन, मछली पालन से अपना काम धाम करता है और वहीं से इसका काम होता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है पर्यटक आते हैं, पर्यटक से इसकी कमाई होती है, मूल रूप से पर्यटन पर ही ये निर्भर है। और जो है ये सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है बहुत बार पूछा गया है, श्रीलंका में स्थित है। अगर बात करते हैं सिगरिया के बारे में तो सैकड़ों वर्षों से गुमनाम असुरक्षित रहने के बाद 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज का एक अधिकारी जाता है और उसे सिगरिया गुफा के बारे में पता चल जाता है। तो कब 1830 में कौन जाता है, ब्रिटिश का फौज अधिकारी एक जाता है और मूल रूप से सिगरिया को खोज लेता है। वो कब खोजा गया, 1830 में, याद रखना है। सिगरिया गुफा के चित्र अजंता चित्रकारी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिगरिया गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते हैं, अजंता, बाग, बदामी, एलोरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजंता चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो 1889 ईस्वी की बात है, मिस्टर मुरे ने सिगरिया के कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार कर दी और उसके बाद श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने 1895 से 1905 ईस्वी तक इन चित्रों को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें ये तार का प्रयोग करते हैं, इसको ढकने का प्रयास करते हैं, जालीदार युक्त करते हैं, फिर भी ये ढक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मिस्टर मुरे सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करते हैं, प्रतिलिपियाँ मतलब उसी का जीरोक्स, ठीक है। तो 1889 में मीरो साहब इस पर जो है थोड़ा सा काम करते हैं मिस्टर मुरे, जैसे चित्रों को कैसे जाली से ढका गया, जाली तार की बनी हुई थी,
उससे भी काम नहीं बना। 1967 ईस्वी में चित्रों का एक भाग दुर्भाग्यवश गिर पड़ा, और जब गिरेगा तो आप जानते ही हैं क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो भी चित्र थे ख़त्म हो गए। जिसकी सुरक्षा हेतु भारत तथा विदेशों से भी जो है सुरक्षा विशेषज्ञ बुलाए गए, कैसे इसे सुरक्षित किया जाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। सेवाएं ली गईं लेकिन काम नहीं बना, जो गिर गया वो गिर गया, दुर्भाग्यवश गिरा तो वो ख़त्म ही हो गया, उसकी प्रतिलिपियां तो तैयार ही हो चुकी थी। तो उसको लोग देखते रहते हैं सिकरिया कहाँ पे है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिकरिया अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के पास स्थित है। आगे अगर बात करते हैं तो कश्यप प्रथम के अनुसार इन चित्रों का जो निर्माण है मूल रूप से 473 से 491 ईसा पूर्व माना जाता है। जो 1830 के बाद बात हो रही थी वो अब ये कह रहे हैं कि 473 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व के मध्य की बात है। तो इतना पुराना ये बता दिए हैं, जबकि 1830 में कहा जा रहा है, एक फौज अधिकारी आता है और वो बता देता है, और मिस्टर मुरे इसे कहते हैं 1889 का है, जबकि कश्यप प्रथम कहते हैं कि 473 से 491 ईसा पूर्व का सिकरिया गुफा है। तो थोड़ी सी मतभेद होते हैं, हर जगह हिस्ट्री है तो मतभेद रहेगा ही, कोई एक समय तो आता नहीं है, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसका विचार जिसका साथ अच्छा मिल जाता है उसी का राइट मान लिया जाता है। फिलहाल आपसे जो अभी तक प्रश्न पूछा गया वो जनता से समान है और कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमने सिकरिया को जो है अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर दिया है। आगे बात करते हैं तो श्रीलंका के प्राचीन चित्रकला ठिकानों का उल्लेख है। आचार्य बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में रचित विशुद्धिगम नामक ग्रंथ में किया है, लेकिन चित्रों के प्राचीन अवशेष सिकरिया गुफा में प्राप्त होते हैं। तो चित्रों के सबसे पुराने अवशेष सिकरिया गुफा मिल जाते हैं। विशुद्धिगमन एक इनका ग्रंथ है, किसका, आचार्य बुद्धघोष का। ये पूछा गया है आचार्य बुद्धघोष ने क्या लिखा है, तो विशुद्धिगमन ये इनका ग्रंथ है, इसमें इन्होंने सिकरिया के बारे में थोड़ा बहुत डाटा चित्रित कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें तो सिकरिया में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है ये पूछ लिया जाता है। तो सिकरिया में टोटल 6 गुफाएं बनी हुई हैं, यह ध्यान रखना है, और 21 रूपायणी इस तरीके चित्र बनते हैं, जिसमें पहले में 17 आकृतियां और दूसरे में 4 आकृतियां, इस टाइप से 21 आकृतियां कंप्लीट हो जाती हैं। पहले में 17 आकृतियां, दूसरे में 4 आकृतियां मिलती हैं, इस टाइप से 21 आकृतियों की एक स्त्री तैयार हो जाती है, 21 रूपावनी स्त्री। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पहले कच्छ की नारियां कुछ ज़्यादा लंबी होती थी, जिसमें 17 आकृतियां हैं वो थोड़ी सी लंबी बनी जाती थी, जबकि दूसरे कच्छ की नारियां थोड़ी सी कम, जहाँ 4 हैं वो थोड़ा सा छोटा बनाया जाता था, उनके हाथ भौनो मुँह जो है पैर थोड़ा सा कम छोटे होते थे, यानी लंबे कम होते थे। ठीक है, फिलहाल टोटल 21 रूपायणी स्त्री कहाँ मिली है, सिकरिया गुफा में मिली है, याद रखना है। अगर बात करते हैं सिकरिया की, तो सिकरिया में मिट्टी पर चित्रकारी की गई है, यानी कहाँ पर मिट्टी पर चित्रकारी की गई है, और कई जगह बालू और प्लास्टर इससे जो है मूल रूप से टेम्परा पे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी पर चित्रकारी की गई है। सिकरिया जो है अपना पास वाला पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे मिट्टी पे चित्रकारी की गई है, जबकि अजंता में सूखी भित्ति चित्रण हुआ है। सूखी भित्ति चित्रण, अजंता गुफा कैसी है, सूखी भित्ति चित्रणों पर आधारित है। आगे एक दो टॉइंट और बनते हैं सिकरिया से जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे सिकरिया में अजंता की नीला रंग को बिल्कुल नहीं, तो अजंता में कैसा रंग प्रयोग हुआ है, नीला रंग, जबकि सिकरिया में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, नीला रंग बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, कहाँ पे, सिकरिया में। सिकरिया के नारियों के नैनों की पुतलियाँ अलग अलग रंगों से चित्रित की गई हैं, जो नारियाँ बनाई गई हैं 21 नारियों का समूह है, उसमें उनके आँखों की पुतलियाँ जो है अलग अलग रंगों से चित्रित कर दी गई हैं, जिसे देखने में वो थोड़ा सा अलग लग रही हैं, कहीं कहीं हल्के पीले रंग तो कहीं कहीं हल्के हरे रंगों का भी प्रयोग हुआ है। किसमें, तो मूल रूप से नारियों के अंकन में, सिकरिया गुफा में नारियों के अंकन में हरे रंग का भी प्रयोग हुआ है और पीले रंगों का भी प्रयोग हुआ है। तो अगर क्वेश्चंस बनता है सिकरिया की गुफा में नारियों का चित्रण किस रंग से हुआ है, तो हरा और पीला, काला लाल आएगा, लाल नीला आएगा, और जो है हरा और नीला आएगा, और मूल रूप से हला और पीला आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा और पीला हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं उस पर हमने विशेष फोकस की है। सिकरिया गुफा मूल रूप से अभी तक सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है, तो ये अपना पड़ोसी देश श्रीलंका है। इसको कब खोजा गया, 1830 में खोज लिया गया। कई विद्वान इसे कहते हैं कि नहीं, ये 1830 में नहीं खोजा गया है। सिकरिया गुफा को मूल रूप से कब खोज लिया गया है, 1889 में, किसके अनुसार, मिस्टर मुरे के अनुसार। आगे बात होती है तो जो कश्यप जी आते हैं वो कहते हैं 473 से 491 ईसा पूर्व में खोज लिया गया है। बस इतने डाटा बार बार पूछा जाता है। एक डाटा और पूछा जाता है, जो 21 रूपायणी स्त्री है वो पूछ लिया जाता है। 21 रूपायणी स्त्री कहाँ चित्रित है, मूल रूप से सिकरिया में ही चित्रित है। तो ये थी सिकरिया गुफा, नोट डाउन कर लेना है, फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए आपको पढ़ना है। यहाँ से अगर एक प्रश्न भी पूछ लिया गया, एक ही प्रश्न पूछ लिया जाए, तो एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, याद रखना है, और एक प्रश्न आपका अगर कम रह गया है तो आप कट ऑफ से बहुत दूर हो जाएंगे, लगभग हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाएंगे एक नंबर से। ठीक है,
तो एक प्रश्न सही करना आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो नोट डाउन करते हुए नोट्स बनाते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।